डियर सेकेंड ईयर नर्सिंग स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है गैस्ट्रो एंट्राइटिस। गैस्ट्रो वर्ड इज रिलेटेड टू द स्टमक, राइट? गैस्ट्रो वर्ड इज रिलेटेड टू द स्टमक एंड एंट्रम इज रिलेटेड टू द इंटेस्टाइन। ओके, तो यहाँ पर इन्फ्लामेशन ऑफ द स्टमक प्लस इन्फ्लामेशन ऑफ इंटेस्टाइन दोनों को हम कंबाइंड रूप में क्या कहेंगे? गैस्ट्रो एंट्राइटिस, राइट? इन्फ्लामेशन ऑफ द स्टमक और प्लस इन्फ्लामेशन ऑफ द इंटेस्टाइन, ऐसी कंडीशंस जिसके अंदर इन्फ्लामेशन स्टमक और इंटेस्टाइन दोनों का इन्फ्लामेशन होता है, मतलब कि कंप्लीट गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक का इन्फ्लामेशन होता है, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन को हम क्या कहेंगे? गैस्ट्रो एंट्राइटिस कहेंगे। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ईसोफेजाइटिस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द गैस्ट्राइटिस, आई एम टॉकिंग अबाउट द गैस्ट्रो एंट्राइटिस, राइट? अब यहाँ पर जीआई ट्रैक के अंदर इन्फ्लामेशन होना, तो जीआई ट्रैक के अंदर इन्फ्लामेशन होता है वो क्यों होता है? तो यहाँ पर जीआई ट्रैक के अंदर जो इन्फ्लामेशन है वो इन्फ्लामेशन किसी भी कारण से हो सकता है, इन्फेक्शन के विरोध में हो सकता है, इरिटेंट सब्सटेंस का कंजम्पशन करने से, इरिटेंट फूड पॉइजनिंग वगैरह चीज़ों का बॉडी में आ जाने के कारण से भी इन्फ्लामेशन हो सकता है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक के अंदर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए तो उसके विरोध में भी गैस्ट्रो प्लस इंटेस्टाइनल सिस्टम का इन्फ्लामेशन हो सकता है, या फिर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक के अंदर कोई ट्रॉमा हो जाए या कोई कॉन्स्टिपेशन और लंबे समय तक इन चीज़ों का यदि रहना भी गैस्ट्रो एंट्राइटिस कर सकता है। कुछ केमिकल्स भी हो सकते हैं जो गैस्ट्रिक प्लस इंटेस्टाइन के इनर लेयर को डैमेज कर सकती है, इरिटेट कर सकती है और इन्फ्लामेशन करवा सकती है, लेकिन मोस्ट ऑफ कॉमन जो कॉज रहता है वो रहता है इन्फेक्शन, राइट? इन्फेक्शन के कारण से अधिकतर गैस्ट्रो एंट्राइटिस होता है। दोज पर्सन हु आर इन्फेक्टेड विथ द बैक्टेरियल और वायरल इन्फेक्शन सच एज द इकोलाई और स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस अरियस, इस तरह के जो इन्फेक्शन है, ये इन्फेक्शन यदि बैक्टीरिया या पैरासाइट्स, ठीक है, इस तरह का इन्फेक्शन हमारे यदि डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर आता है तो उसके विरोध में डाइजेस्टिव ट्रैक क्या करता है? इन्फ्लामेशन क्रिएट करता है डिफेंस के लिए, और वही इन्फ्लामेशन की कंडीशन साथ में पेन, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया या एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट जैसे लक्षणों को भी लाता है, और उस ही सारी कंडीशन को हम कंबाइंड रूप में कहते हैं गैस्ट्रो एंट्राइटिस। इस तरह से हमने गैस्ट्रो एंट्राइटिस को समझने की कोशिश करी है, और इन्फ्लामेशन क्या है इसका मैंने बहुत से पहले एक इन्फ्लामेशन के क्लास में आपको अच्छे से बता दिया था कि बॉडी के अंदर किसी भी टिश्यू में, किसी भी सेल्स में यदि कोई इरिटेंट आता है, कोई डैमेज करने वाला एजेंट आता है, तो वो सेल्स अपने डिफेंस के लिए इन्फ्लेम्ड हो जाएगी, अपने डिफेंस के लिए इन्फ्लामेशन रिएक्शन शो करेगी, अपने डिफेंस के लिए इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स को रिलीज करेगी, और ये इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स इन्फ्लामेशन क्रिएट करवाते हैं, और इन्फ्लामेशन के अंदर बॉडी को भी कुछ लक्षणों से ग्रसित होना पड़ता है, क्योंकि अभी ये क्या हो रहा है, डिफेंस का मैकेनिज्म चल रहा है इसलिए, और वही लक्षण पर्सन को परेशान करते हैं, पर्सन के सिम्टम के रूप में दिखाई देते हैं। अब हम यहाँ पे आगे बात करेंगे कि गैस्ट्रो एंट्राइटिस का इंट्रोडक्शन कैसे लिखा जाए। गैस्ट्रो एंट्राइटिस, राइट? गैस्ट्रो प्लस एंट्राइटिस, गैस्ट्रो एंट्राइटिस का इंट्रोडक्शन कैसे लिखा जाए, इसकी तारीफ कैसे की जाए। तो फर्स्ट पॉइंट है, इट इज द इन्फ्लामेशन ऑफ द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। इट इज द फर्स्ट पॉइंट क्या है, इट इज द इन्फ्लामेशन ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। फर्स्ट पॉइंट आप क्या लिखेंगे, इट इज द इन्फ्लामेशन ऑफ द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। सेकेंड पॉइंट आप लिखोगे, इट इन्वॉल्व द बोथ स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन एंड रिजल्टिंग द एक्यूट डायरिया। मतलब कि यह स्टमक और इंटेस्टाइन दोनों को इन्वॉल्व करता है और एक्यूट डायरिया क्रिएट करता है, ये सेकेंड पॉइंट आप लिखोगे। इट इन्वॉल्व्स द स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन एंड रिजल्टिंग इन एक्यूट डायरिया। आगे थर्ड पॉइंट आप लिखोगे कि एक तरह से ये क्या है, इरिटेटिव और इन्फ्लामेटरी कंडीशन है। किसकी है? इरिटेटिव और इन्फ्लामेटरी कंडीशन किसकी है? स्टमक की और इंटेस्टाइन की। मैंने क्या बोला, एक तरह से ये क्या है, इरिटेटिव और इन्फ्लामेटरी कंडीशन है। किसकी है? स्टमक की और
इंटेस्टाइन की। तो इसको हम पॉइंट में कैसे लिखेंगे, गैस्ट्रोएंटेराइटिस इज द कंडीशन दैट कॉजेज द इरिटेशन एंड इन्फ्लामेशन, राइट। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, गैस्ट्रोएंटेराइटिस इज द कंडीशन दैट कॉजेज इरिटेशन एंड इन्फ्लामेशन ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन, द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। और स्टमक और इंटेस्टाइन को ही हम कंबाइंड रूप में क्या कहते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक कहते हैं। तो गैस्ट्रोएंटेराइटिस का मतलब आप गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक भी कह सकते हो, या फिर स्टमक प्लस इंटेस्टाइन भी आप इसको बोल सकते हो। आगे बढ़ेंगे, इस तरह का जो इन्फेक्शन है, ये बैक्टीरिया या पैरासाइट या स्पॉइल्ड फूड या अनक्लीन्ड वाटर से हो सकता है, राइट। या तो इन्फेक्शन बैक्टीरिया से हो जाना, या फिर इन्फेक्शन पैरासाइट से हो जाना, या फिर स्पॉइल्ड फूड से हो जाना, ठीक है। फूड पॉइजनिंग, जैसे कि ठंडा खाना खा लिया, बाजार का खाना खा लिया, अनहाइजीनिक खाना खा लिया, राइट। या अनक्लीन वाटर, हम कभी कहीं बाहर जाते हैं और किसी होटलों में या लोकल एरिया में हम देखते हैं कि वहाँ पे यदि क्लीननेस नहीं हो, ठीक है, हाइजीन मेंटेन नहीं हो प्रॉपर, और वहाँ का वाटर यदि कंटामिनेटेड है, तो कंटामिनेटेड वाटर भी इन्फेक्शन क्रिएट कर सकता है। तो इसीलिए हम इसके लिए पॉइंट लिखेंगे, एन इन्फेक्शन मे बी कॉज्ड बाय बैक्टीरिया और पैरासाइट्स इन स्पॉइल्ड फूड और अनक्लीन्ड वाटर। इस तरह से आपका ये पॉइंट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, कुछ फूड क्या रहते हैं, स्टमक को इरिटेशन कॉज करते हैं। तो पॉइंट क्या लिखेंगे, सम फूड मे इरिटेट स्टमक एंड कॉजेज द गैस्ट्रो एंटेराइटिस, राइट। इसके बाद आगे पॉइंट लिखेंगे कि गैस्ट्रो एंटेराइटिस जब भी होता है, डायरिया जब भी होता है, ठीक है, वॉमिटिंग होती है, और नॉन इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन भी होती है अपर स्मॉल बॉबल के अंदर, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, गैस्ट्रो एंटेराइटिस इन्वॉल्व डायरिया, वॉमिटिंग एंड नॉन इन्फ्लामेटरी इन्फेक्शन ऑफ द अपर स्मॉल बॉबल एंड इन्फ्लामेटरी रिएक्शन ऑफ द कॉलन, बोथ पार्ट ऑफ द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। का मतलब यह है कि गैस्ट्रो एंटेराइटिस के अंदर अपर एब्डोमिनल ट्रैक जो है, अपर स्मॉल के जो बॉबल, स्मॉल बॉबल जो है जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये नॉन इन्फ्लामेटरी रिएक्शन या नॉन इन्फ्लामेटरी इन्फेक्शन शो करता है, और लोअर इन्फ्लामेटरी इन्फेक्शन, लोअर जो ऑर्गन है जैसे कि कॉलन हो गया, पार्ट ऑफ द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है, यहाँ पे इन्फ्लामेटरी इन्फेक्शन शो करता है। तो इस तरह से ये आपका हो जाएगा इंट्रोडक्शन, ओके। नोट्स में आपको और भी अवेलेबल करवा दूंगा पीडीएफ में स्कैन कॉपी, क्योंकि मैंने वैसे वीडियो में सारा बता दिया है नोट्स कैसे लिखना है। यदि आप थोड़े से होशियार रहो तो आप वीडियो देख कर भी नोट्स लिख सकते हो, वीडियो को पॉज करके रिवाइज करके नोट्स लिख सकते हो, इससे आपके नोट्स राइटिंग की प्रैक्टिस बढ़ेगी और स्पेलिंग्स वगैरह सब में प्रैक्टिस हो जाएगी। आगे बढ़ेंगे, इटियोलॉजी ऑफ गैस्ट्रोएंटेराइटिस क्यों होता है, सेकंड पॉइंट हम लेंगे इटियोलॉजी, राइट। इटियोलॉजी, तो इटियोलॉजी के अंदर मैंने जैसा कि अभी आपको बताया कि बैक्टीरिया हो गया, अब बैक्टीरिया के अंदर स्ट्रेप्टोकोकस अरियस, स्ट्रेप्टोकोकस स्टेफाइलोकोकस, ठीक है, और हो गया ये ग्राम नेगेटिव टाइप के जो बैक्टीरिया रहते हैं, और हो गया इकोलाई वगैरह। तो इस तरह के जो इन्फेक्शन है ये गैस्ट्रोएंटेराइटिस क्रिएट कर सकते हैं, ये कॉजेटिव एजेंट है, मोस्ट कॉमन कॉजेटिव एजेंट है, राइट, जो कि कंटामिनेटेड फूड और कंटामिनेटेड वाटर के अंदर पाए जाते हैं। और ये इन्फेक्शन होने के कारण से ये डायरिया भी क्रिएट कर सकते हैं और वॉमिटिंग भी कॉज कर सकते हैं। तो ये तो हो गया कॉजेटिव एजेंट, बैक्टीरियल एजेंट। वायरस की बात करें तो जैसा कि मैंने नोट्स में आपको बताया है, नोरो वायरस, रोटा वायरस, एडिनो वायरस, पेरावो वायरस एंड एस्ट्रो वायरसेस, इस तरह के जो वायरस हैं ये इंटेस्टाइनल के इन्फेक्शन को बढ़ाते हैं या इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन कर सकते हैं। बैक्टीरिया का एग्जाम्पल बताऊँ मैं तो स्टेफाइलोकोकस अरियस, इस्चीरिया ईकोलाई, साल्मोनेला, शिजेला, कैंपिलोबैक्टर, विब्रियो एंड क्लॉस्ट्रिडियम डिफिशियल, इस तरह के जो बैक्टीरिया है ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन करेंगे, बैक्टीरियल इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन करेंगे। आगे बढ़ते हैं पैरासाइट्स एंड प्रोटोजोआज,
ठीक है, तो कुछ पैरासाइट्स ऐसे हैं जैसे कि जियार्डिया। अब जियार्डिया एक तरह से पैरासाइट है। जियार्डिया से होने वाले इन्फेक्शन से होने वाले जो दस्त हैं, जियार्डिया से होने वाले इन्फेक्शन से होने वाला जो दस्त है या डायरिया है उसको हम जियार्डियासिस कहते हैं। ठीक है, जियार्डिया के इन्फेक्शन को हम जियार्डियासिस कहते हैं, राइट। और ये एक तरह से वाटरबोर्न डायरिया के नाम से जाना जाता है। इसके बाद पैरासाइट का दूसरा एग्जांपल है क्रिप्टोस्पोरिडियम, राइट। तीसरा है कॉमन कॉजेज, ठीक है, केमिकल टॉक्सिन्स। तो इस तरह के जो कॉजेज हैं ये पैरासाइटिक या प्रोटोजोअल कॉजेज हैं। इसके बाद आगे बढ़ेंगे अदर कॉजेज ऑफ द गैस्ट्रोएंटेराइटिस, जैसे कि फूड एलर्जी, राइट। फूड एलर्जी हो गया तो इसमें टिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो जो भी लिखा है पूरा नोट्स है और बहुत ही शॉर्ट और सिंपल फॉर्म में है। फूड एलर्जी होने से भी गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो सकता है, एंटीबायोटिक के कंजम्पशन से भी, जैसे कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे रहते हैं जो कि बैक्टीरिया को किल करते हैं, राइट। तो यहाँ पे मेनी एंटीबायोटिक अलाउ द बैक्टीरियल फंगल ओवरग्रोथ, कुछ एंटीबायोटिक ऐसे रखते हैं जो बैक्टीरिया और फंगल के ओवरग्रोथ को भी बढ़ाते हैं, ठीक है, अलाउ करते हैं, तो उन एंटीबायोटिक्स को अवॉइड करना है। इसके बाद मेडिकेशंस साइड इफेक्ट के कारण से भी डायरिया होता है और गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो सकता है। मैंने अभी आपको बताया केमिकल के इरिटेशन से भी गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो सकता है। तो मेडिकेशन क्या है, केमिकल है, तो कुछ कुछ पर्सन के अंदर पर्टिकुलर जो भी मेडिसिन है, स्पेसिफिक जो भी मेडिसिन है, उस मेडिसिन से उसे एलर्जी हो सकती है और वो इन्फ्लामेशन शो कर सकता है गैस्ट्रोएंटेस्टाइनल ट्रैक का। इसके बाद लास्ट पॉइंट इसमें है टॉक्सिन्स, राइट। लास्ट पॉइंट क्या है, टॉक्सिन्स। एल्गल टॉक्सिन्स इज द शेलफिश, हैवी मेटल टॉक्सिन्स, राइट। तो इस तरह के जो एल्गल टॉक्सिन इन द शेलफिश, शेलफिश के अंदर पाए जाने वाला एल्गल नाम का टॉक्सिन, इसी तरह से दूसरा मेटल टॉक्सिन मतलब कि धातुओं के मॉलिक्यूल्स जैसे कि एल्यूमिनियम, कैडमियम, आर्सेनिक, लीड, मरकरी, इस तरह के जो मेटल्स मॉलिक्यूल हैं ये भी इंटेस्टाइन को इरिटेट करने में अपना योगदान देते हैं और इंटेस्टाइन इरिटेट हो सकती है, इन्फ्लेम्ड हो सकते हैं। तो बैक्टीरिया हो, चाहे पैरासाइट हो, प्रोटोजोआ हो, ठीक है, कंटामिनेटेड फूड हो, इरिटेटिव फूड हो, या फिर टॉक्सिन्स हो, कुछ केमिकल हो, कुछ मेडिसिन हो या मेटल मॉलिक्यूल्स हो, इन तरह के जो भी मॉलिक्यूल्स से यदि इरिटेशन क्रिएट करेंगे तो इन्फ्लामेशन होगा और डेफिनेटली गैस्ट्रोएंटेराइटिस होगा। आगे बढ़ेंगे, इसके अंदर पर्सन को प्रॉब्लम तो वही आती है, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, इनडाइजेशन और एब्डोमिनल पेन, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, वॉमिटिंग, इन तरह के सिम्टम्स, फीवर, इस तरह के सिम्टम्स पेशेंट को आ सकते हैं। तो उन सिम्टम्स को भी हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम लेते हैं पैथोफिजियोलॉजी। इटियोलॉजी के बाद हमारी हेडिंग आती है पैथोफिजियोलॉजी, राइट। तो किस तरह से ये डेवलप होती है, डिजीज किस तरह से डेवलप होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, पैथोफिजियोलॉजी कहते हैं। तो डिजीज किस तरह से डेवलप होती है इसको हम देखेंगे। तो पैथोफिजियोलॉजी के अंदर फर्स्ट पॉइंट हमारा आएगा ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर्स। फर्स्ट पॉइंट क्या आ जाएगा, ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर्स। फर्स्ट लाइन हमको क्या लिखनी है, ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर्स। इटियोलॉजिकल फैक्टर्स बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, पैरासाइट्स हो सकता है, फंगस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सेकेंड पॉइंट, यदि ये इन्फ्लामेशन करते हैं तो सेकेंड लाइन आपको लिखनी है कि इंटेस्टाइनल फ्लोरा कैन डिस्टर्ब्ड बाय द हार्मफुल बैक्टीरिया वायरसेस, ठीक है। तो मैं इसको शॉर्ट बना के दे देता हूँ आपको, इंटेस्टाइनल फ्लोरा कैन बी, इंटेस्टाइनल फ्लोरा विल डिस्टर्ब्ड, ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे डिस्टर्बेंस इन इंटेस्टाइनल फ्लोरा। तो मैंने क्या लिखा, इटियोलॉजिकल फैक्टर्स के आने से आपके इंटेस्टाइन के अंदर जो फ्लोरा है वो फ्लोरा क्या हो जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे। अब ये फ्लोरा डिस्टर्ब हो जाएंगे तो क्या नुकसान होगा, ये फ्लोरा जो है वो हमें हार्मफुल बैक्टीरिया के फाइट करने में हेल्प करते हैं। ये फ्लोरा का मतलब ऐसे फ्लोरा इंटेस्टाइन, हमारे इंटेस्टाइन के अंदर ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी पाए जाते हैं जो कि हानिकारक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लड़ने के लिए हेल्प करते हैं। लेकिन यदि कोई इन्फेक्शन है, कोई इरिटेशन है, फूड पॉइजनिंग है, तो हमें बचाने वाले जो फ्लोरा हमारे अंदर जो पाए जाते हैं, उन फ्लोरा के अंदर क्या आ जाएगा, डिस्टर्बेंस आ जाएगा और वो फिर इन्फेक्शन से फाइट
नहीं कर पाएंगे, राइट, और इन्फेक्शन से फाइट नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे हम पैथोजन विल डैमेज, पैथोजन विल डैमेज इंटेस्टाइनल टिश्यू, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल टिश्यू, राइट, मैंने बिल्कुल शॉर्ट कर दिया, पैथोफिजियोलॉजी विल डैमेज द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल टिश्यू, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा कि यदि पैथोजन गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल टिश्यू को डैमेज करेंगे तो वहाँ से वाटर और इलेक्ट्रोलाइट रिलीज होंगे, कहाँ रिलीज होंगे, इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रिलीज ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। कोई सेल्स यदि डैमेज होती है तो जैसे डैमेज होती है तो उस सेल का वाटर और उस सेल के अंदर जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो बाहर आ जाएंगे, वो रिलीज हो जाएंगे। अब क्योंकि यहाँ पे इंटेस्टाइन की दीवारें जो हैं वो इरिटेट हो चुकी है, इंटेस्टाइन की दीवारों के अंदर पैथोजन ने क्या किया, डैमेज किया है, तो इंटेस्टाइन की दीवारों में जो उपस्थित सेल्स हैं वो रप्चर होती है और वो अपना पानी और अपना इलेक्ट्रोलाइट इंटेस्टाइन के ल्यूमन में, इंटेस्टाइन के बीच में जो स्पेस रहता है इंटेस्टाइन के अंदर की तरफ, अपने पानी और इलेक्ट्रोलाइट को रिलीज कर देती है, राइट। और इस तरह से क्या हो जाएगा कि यहाँ पे गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो जाएगा, राइट। तो गैस्ट्रोएंटेराइटिस लास्ट में आप गैस्ट्रोएंटेराइटिस, मैंने जो नोट्स दिए हैं उसमें पैथोफिजियोलॉजी थोड़ी बड़ी है, लेकिन यदि आपको शॉर्ट में याद करनी है, ठीक है, याद रखने के पर्पस से, यूनिवर्सिटी के पर्पस से, तो शॉर्ट एंड सिंपल पैथोफिजियोलॉजी मैंने जैसा अभी कहा है उसी को आप बार बार सुनिए, समझिए और उसी को आप कॉपी में लिखिए, यदि शॉर्ट चाहिए तो। और जो मैंने नोट्स में थोड़ी लॉन्ग अवेलेबल करवा रहा हूँ, ये यदि आपको अच्छे से समझ में आ जाती है तो ये बहुत अच्छी है, ठीक है। नंबर आपको दोनों से मिलेंगे, नंबर में कोई कमी नहीं आएगी, बस आपका कॉन्सेप्ट सही रहना चाहिए। और पैथोफिजियोलॉजी ऐसी चीज़ है जिसको, जो पैथोफिजियोलॉजी ये डिफाइन करती है कि आपने डिजीज़ की कंडीशन को कितना अच्छे से समझा है, डिजीज़ की कंडीशन के फैक्टर को, उससे रिलेटेड जो भी एलिमेंट्स हैं उनको किस तरह से समझा है। और होता क्या है कि पैथोफिजियोलॉजी तो क्या, अलग अलग डिजीज़ कंडीशन में और अलग अलग पेशेंट पे, यदि डिजीज़ कंडीशन एक है लेकिन पेशेंट अलग अलग हैं तो ये पैथोफिजियोलॉजी चेंज भी हो सकती है, क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप ग्रोथ करती है। तो पैथोफिजियोलॉजी कभी फिक्स नहीं होती है, इंडिविजुअल बॉडी के अंदर ये वेरी हो सकती है, लेकिन थ्योरी के अकॉर्डिंग याद करने के पर्पस से शॉर्ट पैथोफिजियोलॉजी मैंने आपको बताई है, लॉन्ग यदि आपको चाहिए तो नोट्स में अवेलेबल करवा रहा हूँ, उसके अंदर यदि आपको कोई डाउट है तो आप मुझे पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे क्लिनिकल फीचर्स, क्लिनिकल फीचर्स, क्लिनिकल फीचर्स के अंदर, क्लिनिकल फीचर्स के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स होंगी, पेशेंट को क्या क्या प्रॉब्लम्स होंगी। तो क्लिनिकल फीचर्स में फर्स्ट एब्डोमिनल क्रैम्प, राइट, एब्डोमिनल क्रैम्प होगा, पेशेंट की जो इंटेस्टाइन है, पेशेंट की इंटेस्टाइन क्या हो गई है, इन्फ्लेम्ड हो गई है, और इन्फ्लेम्ड होने के कारण से वहाँ की मांसपेशियाँ क्या करेंगी, एबनॉर्मली कॉन्स्ट्रिक्टेड हो जाएंगी, ऐंठन बनाएंगी, और उसी को हम क्या कहेंगे, एब्डोमिनल क्रैम्प कहेंगे। दूसरी चीज कि इंटेस्टाइन के इन्फ्लेम्ड होने से एब्डोमिनल कैविटी के अंदर प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि जब दीवाल इंटेस्टाइन की दीवालें जब सूजेंगी, स्वेलिंग होगी, राइट, तो वो अपनी आकार में बढ़ जाएंगी और एब्डोमिनल कैविटी के अंदर प्रेशर भी होगा, और उस कारण से एब्डोमिनल पेन और स्वेलन एब्डोमन पेशेंट का दिखेगा, राइट। तो जिन लोगों को गैस्ट्रोएंटेराइटिस होता है उनके फिजिकल एग्जामिनेशन यदि हम करें तो उनका एब्डोमन हमको मोटा दिखेगा, स्वेल्ड दिखेगा, स्वेलिंग वाला दिखेगा। इसके बाद है नोजिया एंड वॉमिटिंग, राइट, स्टमक के अंदर यदि कोई भी प्रॉब्लम हो, जैसे इसोफेजाइटिस हो, चाहे गैस्ट्राइटिस हो या गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो, नोजिया और वॉमिटिंग तो इसके अंदर कॉमन फीचर रहेंगे, क्योंकि ये इरिटेट करते हैं नर्व को और नर्व ब्रेन को ऑर्डर देती है और फिर नोजिया और वोमिटिंग करवाती है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे लॉस ऑफ एपेटाइट, यदि इंटेस्टाइन ही डिजीज्ड है, इंटेस्टाइन खुद बीमार है, तो वो भूख को कम कर देगी, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है, यदि इंटेस्टाइन खुद बीमार है तो इंटेस्टाइन नहीं चाहती कि वो और ओवरलोड और ज़्यादा बाहर से खाने को ले और उसको पचाने का काम करे, वो छुट्टी पे जाती है, वो रिटायर्ड हो जाती है कुछ समय के लिए, वो काम नहीं करना चाहती, वो रेस्ट लेना चाहती है, इसीलिए वो लॉस ऑफ एपेटाइट करती है, भूख को कम करवा देती है। इसके बाद
स्वेलन एब्डोमन एंड एब्डोमिनल पेन, राइट। तो ये तो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद है वॉमिटिंग, ये भी बता दिया, रिपीट हो गया। नेक्स्ट है हाई टेम्परेचर, राइट। यदि इन्फेक्शन है तो हाई टेम्परेचर होगा, फीवर हो सकता है, ब्लॉटिंग और पेन होगा, डायरिया होगा, राइट, और ब्लड इन वॉमिट और स्टूल। वॉमिट के साथ ब्लड आएगा तो हिमेटेमेसिस कहलाएगा, और यदि स्टूल के साथ ब्लड आएगा तो वो स्टूल के टेस्ट में आपको पता चलेगा कि इसके अंदर आरबीसीज मौजूद हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई, क्लिनिकल फीचर्स। तो इस तरह के क्लिनिकल फीचर्स यदि दिखते हैं तो हमें गैस्ट्रो एंट्राइटिस पे डाउट करना चाहिए, और हम फिजिकल एग्जामिनेशन में भी इन चीज़ों को चेक कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे डायग्नोस्टिक इवेल्यूएशन। नेक्स्ट हेडिंग है अपनी डायग्नोस्टिक इवेल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवेल्यूएशन तो गैस्ट्रोएंटेराइटिस के अंदर पहला तो मैंने आपको ये बताया कि जितने भी साइंग एंड सिम्टम हैं, एब्डोमिनल क्रैम्प होना, नोजिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन होना, लॉस ऑफ एपेटाइट होना, फीवर आना, ये सारे जो भी फीचर्स हैं ये हम किसके अंदर चेक करते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर चेक करते हैं। और उन्हें कभी पहले इन्फेक्शन तो नहीं था, फूड कंटामिनेटेड तो नहीं ले लिया, ठीक है, वाटर कंटामिनेटेड तो नहीं ले लिया, कोई ड्रग की टॉक्सिसिटी तो नहीं होगी, मेटल की टॉक्सिसिटी तो नहीं हो गई, ये चीज़ें हम पूछते हैं या ऑब्जर्व करते हैं मेडिकल हिस्ट्री के अंदर, राइट। मेडिकल हिस्ट्री के अंदर हम इन चीज़ों को, तो मेडिकल हिस्ट्री के अंदर हम कॉजेज को, इटियोलॉजी को, कारणों को असिस करते हैं, और फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर हम साइंग एंड सिम्टम को ऑब्जर्व करते हैं। यह चीज़ आप याद रखना, यह चीज़ आपको किसी बुक के अंदर लिखी हुई नहीं मिलेगी। आगे बढ़ेंगे थर्ड पॉइंट, डायग्नोस्टिक इवेल्यूएशन का थर्ड पॉइंट हम क्या चेक करेंगे कि ब्लड टेस्ट करेंगे, राइट। ब्लड टेस्ट क्यों करेंगे, क्योंकि उसके अंदर यदि इन्फेक्शन है, पर्सन को इन्फेक्शन है, तो CBC से हमें पता चल जाएगा, राइट। CBC में दो खास करके TLC टोटल ल्यूकोसाइट, ठीक है, CBC के अंदर WBC जो रहता है उसके पर्टिकुलर टेस्ट को हम देखते हैं तो वो TLC कहलाता है, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। यदि इन्फेक्शन है तो TLC हमें बढ़ा हुआ मिलेगा, और यदि ब्लीडिंग वगैरह हो रही है तो RBC हमें कम मिलेगा। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग हो रही है, गैस्ट्रो एंट्राइटिस के अंदर ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है, ठीक है, स्टूल के अंदर ब्लीडिंग ज़्यादा निकल रही है, इंटरनल इंजरी बन गई है, होल बन गया, परफोरेशन बन गया, इस तरह की चीज़ें आती है तो वो RBC को कम करवाती है, क्योंकि ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है इसलिए। इसके बाद आगे बढ़ेंगे कि इसके अंदर हम बाकी चीज़ें चेक करते ही हैं, जैसे कि एब्डोमिनल USG वगैरह चीज़ें चेक करते हैं, एंडोस्कोपी वगैरह चीज़ें चेक करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें सब मैंने पहले भी क्लासेस में बता दिया है, एंडोस्कोपी, USG, CT स्कैन, एक्सरे, तो वो चीज़ें मैं आपको नोट्स में दे दूंगा, और उसको आपको समझ तो लिया ही है, बस याद करना है। ये है डायग्नोस्टिक टेस्ट, राइट। आगे बढ़ेंगे गैस्ट्रोएंटेराइटिस के अंदर मैनेजमेंट की बात करेंगे, हाउ वी कैन ट्रीट, हाउ वी कैन मैनेज, मैनेजमेंट ऑफ गैस्ट्रोएंटेराइटिस, गैस्ट्रोएंटेराइटिस का मैनेजमेंट कैसे किया जाए। तो यहाँ पे गैस्ट्रोएंटेराइटिस एक तरह से इन्फ्लामेशन है। अब हमारा गोल ये रहता है, हमारा एम्स ये रहता है, हमारा उद्देश्य ये रहता है कि पहला तो पेशेंट के जो सिम्टम्स हैं उससे पेशेंट को रिलीफ मिले, और दूसरा इंटरनल यदि कोई इंजरी है, डैमेज है, परफोरेशन है, तो उसको रिपेयर किया जाए, राइट, उसको सर्जिकली भी रिपेयर किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो हम सिम्टम्स को कम करने के लिए, अब गैस्ट्रोएंटेराइटिस का बेसिक कॉज है इन्फेक्शन, तो इन्फेक्शन को कम करने के लिए हम सबसे पहले देते हैं एंटीबायोटिक्स। फर्स्ट अप्रोच हमारी क्या रहती है, एंटीबायोटिक्स रहती है। कुछ एंटीबायोटिक ऐसे रहते हैं जो गैस्ट्रोएंटेराइटिस करवाते हैं, गैस्ट्रोएंटेराइटिस के कारण है, सारे एंटीबायोटिक्स से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, राइट। तो हम सभी एंटीबायोटिक्स को अवॉइड नहीं करेंगे, लेकिन स्पेशली जैसे स्ट्रेफाइलोकोकस के लिए, अरियस के लिए, और ईकोलाई जैसे इन्फेक्शन, साल्मोनेला इस तरह के जो बैक्टीरिया हैं उनसे यदि गैस्ट्रोएंटेराइटिस होता है तो उनके लिए पर्टिकुलर जो भी एंटीबायोटिक है हम वो पेशेंट को प्रोवाइड करवाते हैं। अब एंटीबायोटिक्स की बात आई तो एंटीबायोटिक स्पेशली हम इन्फेक्शन को कम करने के लिए देते हैं, और स्पेशली ये कैंपिलोबैक्टर, शिजेला, विब्रियो कॉलेरा और इस तरह के जो इन्फेक्शन है उनको कम करने के लिए हम इस तरह के इन्फेक्शन से रिलीफ करने के लिए हम एंटीबायोटिक्स देते हैं, राइट।
एंटीबायोटिक्स जो हैं, और ये हम इंट्रावीनसली भी दे सकते हैं, राइट, क्योंकि ओरली तो इसके अंदर अलाउड रहता नहीं है, राइट, क्योंकि गेस्ट्रो एंट्राइटिस है तो वो चीज़ें ऑब्जर्व होंगी नहीं, एब्जॉर्ब होंगी नहीं बॉडी के अंदर, राइट, तो हम आईवी फ्लूड के साथ और इंट्रावीनसली या इंट्रा मस्कुलरली, हम डिपेंड करता है कि कौन सी एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं, डॉक्टर्स के ऑर्डर क्या है, पेशेंट का रिस्पॉन्स क्या है, उस पर डिपेंड करता है कि हमें डोज क्या देना है, रूट कौन सा देना है, राइट, तो हमें बस ये चीज़ें ध्यान रखनी है। स्पेशली जो एंटीबायोटिक्स के एग्जाम्पल यदि आप लिखना चाहो तो एमोक्सिसिलिन है, सालबेक्टम है, जो एंटीबायोटिक्स मैंने पिछली डिजीज गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम के जो पिछली डिजीज़ के अंदर जो एंटीबायोटिक्स मैंने बताए थे वो चीज़ें यहाँ पे यूज़ हो सकती हैं। सेकेंड पॉइंट है एंटी डायरियल मेडिकेशंस, और एंटी डायरियल मेडिकेशंस डायरिया को कम करने के लिए, डायरिया के सिम्टम्स को कम करने के लिए दी जाती हैं, और एंटी डायरिया को ट्रीटमेंट करने से पेशेंट का जो डिहाइड्रेशन हो रहा है, उसे जो एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट महसूस हो रहा है, उन चीज़ों के सिम्टम्स के रिलीफ के लिए ये एंटी डायरियल मेडिकेशंस दी जाती हैं। और एंटी डायरियल मेडिकेशंस के एग्जाम्पल्स जो हैं वो है डाइफेनोक्सीलेट, एट्रोपिन, राइट, लोपेरामाइड, ठीक है, इमोडियम जिसको अपन बोलते हैं, तो ये डाइफेनोक्सीलेट, एट्रोपिन, लोपेरामाइड, इस तरह की मेडिसिंस जो है वो डायरिया को रिड्यूस करने के लिए, रिलीफ देने के लिए यूज़ की जाती है। तो मैनेजमेंट के अंदर पहला मैंने आपको एंटीबायोटिक बताया, दूसरा मैं आपको एंटी डायरियल बता रहा हूँ, राइट। थर्ड मेडिसिंस हम देते हैं एंटी एमेटिक, राइट, एंटी एमेटिक मेडिसिंस देते हैं। तो जो मैंने नोट्स में दिया है, जो मैं स्कैन कॉपी आपको ईमेल कर रहा हूँ, उसी चीज़ों को सेम टू सेम कॉपी करना है आपकी नोटबुक के अंदर, ठीक है। लैंग्वेज कोई बुकिश लैंग्वेज नहीं है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज है और आपको इजीली समझ में आ जाएगी। एंटी एमेटिक्स का मैं मीनिंग समझाने देना चाहता हूँ कि वॉमिटिंग को रिड्यूस करने के लिए हम जो मेडिसिंस देते हैं उन्हें एंटी एमेटिक या एंटी वोमिटिंग मेडिसिंस कहते हैं। अब इन मेडिसिंस के अंदर मेटोक्लोप्रामाइड, राइट, मेटोक्लोप्रामाइड हो गया, और दूसरा एग्जांपल मैं बताऊं प्रोमेथाजिन हो गया, राइट, प्रोमेथाजिन फेनार्गन के नाम से मार्केट में अवेलेबल है। इसके बाद प्रोक्लोरपेराजिन, राइट, तो जिस तरह से आपको ये नोट्स में दिख रहा है प्रोक्लोरपेराजिन, ठीक है, प्रोमेथाजिन हो गया, मेटोक्लोप्रामाइड हो गया, इस तरह की ओंडेस्टेरोन हो गया, ठीक है, एमसेट के नाम से अवेलेबल है मार्केट में। तो इन तरह की जो मेडिसिन है ये वोमिटिंग को रिड्यूस करने के लिए की जाती है, राइट। तो इस तरह से ये क्या हो गया आपका मैनेजमेंट ऑफ द गेस्ट्रो एंट्राइटिस। और नेक्स्ट हेडिंग रहती है नर्सिंग मैनेजमेंट। तो नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर मैंने जो पॉइंट आपको बताए हैं उन पॉइंट्स को रीड आउट करना है, समझना है, और नर्सिंग केयर प्लान आपको बनाना है। तो होमवर्क आपके लिए वही रहेगा, राइट, राइट द एनसीपी ऑन पेशेंट विथ गैस्ट्रो एंट्राइटिस। यदि गैस्ट्रो एंट्राइटिस का पेशेंट है तो उसके लिए एनसीपी आप क्या बनाओगे? एनसीपी जो है A4 साइज पे बनानी है, असाइनमेंट फॉर्मेट में बनानी है, ओनली आपको प्रायोरिटी नीड्स निकल के, ठीक है, नर्सिंग डायग्नोसिस निकल के, फिर रेशनल इंटरवेंशन इवेल्युएशन की जो टेबल बनती है उस टेबल फॉर्मेट में आपको एनसीपी बनाने हैं। ऑल द बेस्ट।